हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब। आज मैं बनाने वाली हूँ वाइट चने और मैंने इनको पूरी रात के लिए भिगा दिया था। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि चने मैंने बॉयल होने के लिए कुकर में रख दिए हैं और साथ ही मैंने इसमें सॉल्ट भी ऐड कर दिया है। फ्रेंड्स, हमारे जो चने हैं बॉयल हो चुके हैं और एक बार हम चेक कर लेंगे इन्हें। ये देखिए, बहुत अच्छे से ये बॉयल हो चुके हैं। अब हम चनों को तड़का लगाएंगे। फ्रेंड्स, ये मैंने लिया है वाटर 1 कप के करीब और उसमें मैं ये डाल रही हूँ सिंपल चाय पत्ती। ये जो चाय पत्ती का मैंने पानी बॉयल कर रही हूँ, ये अभी हमें तड़के में काम आने वाला है, तो इसका यूज़ हम चने में करेंगे। तड़का लगाने के लिए मैंने गैस पर पैन पहले ही रख दिया है और उसमें डाल दिया मैंने रिफाइंड ऑयल और अब मैं उसमें डाल रही हूँ जीरा और साथ ही मैंने ये अदरक लहसुन और प्याज का पेस्ट रेडी करके रखा है और उसमें डाल दूँगी। प्याज हमारा भून चुके हैं, अब हम इसमें डाल रहे हैं टमाटर का पेस्ट जो ऑलरेडी मैंने सब पहले ही मिक्सी में पीस लिया था। अब हम इसमें डालेंगे रेड चिली पाउडर, गरम मसाला, डाल रही धनिया पाउडर और ये मैं डाल रही हूँ भुना हुआ जीरा जो मैंने पीस कर रखा हुआ पहले। और साथ ही मैं डालूंगी इसमें MDH का चना मसाला, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। मैं MDH के काफ़ी मसाले यूज़ करती हूँ और ये अच्छी क्वांटिटी में डल जाता है, तभी एक हमें पूरा जो हम होटल्स में खाते हैं या फिर रेस्टोरेंट में मैरिज में खाते हैं तो हमें इसीलिए टेस्टी लगते हैं। तो हम कभी कभी बनाते हैं तो थोड़ा मसाले अगर हो भी जाएँ ज़्यादा तो कोई प्रॉब्लम नहीं कभी कभी के लिए, मगर टेस्ट एकदम परफेक्ट आएगा। ये हमारा तड़का रेडी हो चुका है। आप यहाँ पर एक चीज़ मैं मेंशन कर दूँ कि मैंने यहाँ पर, आपने नोटिस किया होगा कि मैंने यहाँ पर हल्दी का यूज़ नहीं करा। इसमें हम हल्दी का यूज़ नहीं करेंगे। यहाँ पर मैं यूज़ करने वाली हूँ ये जो हमने चाय पत्ती का पानी तैयार करा था, इसको ज़्यादा काढ़ना नहीं है, सिर्फ एक दो उबाल देने, नहीं तो बहुत काला हो जाता है और चने का रंग भी काला हो जाएगा। इसको हम इसमें मिक्स कर लेंगे छान कर। मैंने छान दिया है और ये देखना आप, कितना सुंदर कलर आया। इस तड़के को हमने बिल्कुल सुखाना नहीं है, ऑलमोस्ट ये पूरा पक चुका है। अब हम इसको चने में डाल देंगे। ये चने हैं और ये देखिए, इसमें मैं मिक्स कर रही हूँ ये सारा। इनका कलर देखिए आप, और अभी जब ये पूरी तरह पक जाएंगे अब हम इसको 2-3 सीटी लगवाएंगे और उसके बाद थोड़ा सा इसको बिना ढके पकाएंगे। फ्रेंड्स, हमारे चने रेडी हो चुके हैं। ये देखिए, इन्हें मैंने पहले 2 सीटी लगवाई हैं कुकर में और तड़का लगने के बाद, और अब मैंने इन्हें 10 मिनट के लिए बिना ढके पकाया है कि जो इसका एक्स्ट्रा वाटर है वो निकल जाए और ये चने गाढ़े हो जाए। तो देखिए कलर भी कितना सुंदर आया है, गोल्डन कलर है, गोल्डन ब्राउन कलर, क्योंकि हमने इसमें हल्दी नहीं डाली। फ्रेंड्स, हमारे चने बिल्कुल रेडी हैं। आप देख सकते हैं कितना सुंदर इनका कलर आया है और अब हम इसको करेंगे गार्निश।
फ्रेंड्स मैंने गार्निश कर लिया है चने को, और देख सकते हैं आप मैंने अनियन, ग्रीन चिली और ग्रीन करियंडर से इसको गार्निश किया है। आपको प्रेजेंटेशन और रेसिपी कैसी लगी मुझे जरूर बताइएगा। मैं मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट रेसिपी के साथ और नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।